तो गाइस मैंने अपने हाथ धो लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपने रसगुल्ले। देखो देखने में भाई टेस्टी लग रही है बिल्कुल, और खा के पता चलेगी। पहले हम निकाल के सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। वेलकम टू नवीन डेडा व्लॉग्स। तो हेलो गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं बहन को लेना सिलार पर, और बहन हमने ले ली है। बहन की तबीयत ख़राब हो रही है, बहन का फ़ोन कल भी आया, तो फिर मैं अभी आ गया। मैं रासू आ गया रात को ही, अभी भी आया आपका फ़ोन। फिर मम्मी कह ली कि लिया अभी रात को खुला मिलेगा, तो मैं रासू आ गए, बहन ले ली है। तो बहन अभी जय कह लगा कि मामा पिज़्ज़ा ले लो, तो भाई मैंने पिज़्ज़ा का ऑर्डर डाल दिया। पिज़्ज़ा अभी 10 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा। आंसू लेने गए, मैं रासू आई है, आंसू ले रहा पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक ले लिए। और इतनी देखो मरीज कैसे पड़ा है, पिज़्ज़ा खाया हुआ मरीज। और जय क्या हाल है, जय भाई बड़ा खुश है भाई, जय बड़ा खुश हो गए घर को भाई, मजा आ जाएंगे भाई, मरीज पड़ा है। तो चलो भाई मैं जब पिज़्ज़ा खाते हैं और चल देते हैं अपने घर को, एक घंटे में पहुंच जाएंगे, और फिर मिलते हैं आपको घर पे। तो भाई हमारा ऑर्डर आने वाला है, बस पछू देर लग रही है, बस अब भूख के टिट्टी आ रही है हमें, समझ लो। निकट रही है बस यहाँ से अभी हम। तो गाइस हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, और हम चल देते हैं। तो हेलो गाइस, सभी को स्वागत है नवीन डेडा व्लॉग्स में। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं रसगुल्ले रेसिपी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा, तो आज मैं बैठा हूँ तो मेरे मूड से मैं मीठा खाने को मन कर रहा, तो मैंने कि आज बनाएंगे खुद, और मैं रसो बनाएंगे आज रसगुल्ले। तो दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं, और वो भी ब्रेड वाले। तो अभी हम तैयारी करते हैं और तुम्हें सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे बनता है, और चेक करके बताएंगे, घर वाले ने खवा कर दिखाएंगे कि टेस्ट कैसा है। पहली बार बना रहे हो रोनी को, नहीं सब के लिए बोला बना, रोनी को नहीं सब के लिए भाई। अभी अच्छे लग रही है, और मुँह पर चून लगा के सोच रही बदन लगा यार, देखिए मुँह पर फाउंडेशन देखो भाई, फिल्टर ना तेरा फाउंडेशन जो लग रहा है ना, वो फिल्टर तो मैं लगा ही नहीं रहा, नॉर्मल कैमरा बन रही है। तो चलो गाइस शुरुआत करते हैं। तो गाइस ब्रेड आ चुकी है, और अभी हम पहले ही साइड कट कर लेते हैं सारे, ठीक है। गाइस सारे हटा दिए इसकी साइड के, अब ये ऐसे बना देंगे। बिगाड़ मत दीजिए। तो गाइस अभी हम छोटे छोटे पीस बना रहे हैं, पीस कर रहे हैं ब्रेड के। बिगाड़ मत देना ना, बिगाड़ है ऐसे बनाओ इस रसगुल्ले बनते हैं, ऐसे बनाएंगे। चलो देखते हैं आज, देख सीख रहा हूँ समझा, नहीं मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सीख छोटे छोटे का थोड़े आप बना लो कोई जब तक वो बनेगा आटा सा। चलो गाइस, तो गाइस रसगुल्ले की हमारी जो वे लोई खा गए तैयार कर दिया हमने, रसगुल्ले की पिट्ठी बोलेंगे उनसे। और इसमें हमने डाला 2 चम्मच घी, देसी घी और सोडा, फूल जो इस मतलब फूल ज़्यादा चल छोटे छोटे बनाएंगे ना, फिर ये फूल जाएंगे सोडे से। और इसमें दूध डाल रहा है, पिट्टी तैयार हो गई, और हमारा ये तैयार हो गया। इसमें चाशनी पौनी ज़्यादा गिरती है, इसमें चाशनी तक है, चाशनी पौनी ज़्यादा गिरती है, मम्मी लगे रहा ठीक है थोड़ी देर। अब इसमें गाइस हमने इलायची डाली है, चीनी डाल दी है, पानी हो रहा हमारा, और अभी हम तैयार करते हैं। पानी जब हमारा हो जाएगा तो अभी हम तल इन्हें फिर तलेंगे घी में। तो गाइस हम क्या खा रहे हैं, मैं और दीदी ये खा रहे हैं बची हुई ये खा रहे हैं। तो गाइस हमने इसमें चम्मच, 1 चम्मच वो डाल दिया घी, 1 चम्मच से फालतू डाल रहा। अब इसमें डालेंगे क्या, दूध। ओ आप इसे सफा भी करना, जिससे गंदगी करोगे किचन में, बड़ी मेहनत से साफ करी मैंने।
चलो गाइस गाइस हम बना रहे छोटे 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 से बना रहे रसगुल्ले इस साइज के। उसके बाद अभी ना तलेंगे इसमें घी में देसी घी। तो गाइस हमने घी चढ़ा दिया और घी में बने घी दिए रसगुल्ले का कलर देखो भाई एकदम रसगुल्ले वाला। फिर हलवाई की दुकान खुलवा देंगे अच्छे रसगुल्ले बने। फिर फोन की बंद करवा के हलवाई करवा देंगे। असली रसगुल्ले लग रहे हैं बिल्कुल काले। थोड़े से काले कर अपनी तरह ऐसे कर जिस तरह लगे। तो गाइस इतने खतरनाक रसगुल्ले में पहली बार बना, पहली बार इतने अच्छे बने। पिंकी जी और टेस्ट में बताएं ये फट क्यों रहे हैं? इसमें चाशनी डाल के फट से गए। वो फट ना रहे, वो ब्रेड के है ना। ना कि मैं ज्यादा चला हूं तो भी। तो गाइस मैंने अपने हाथ धो लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपने रसगुल्ले। देखो देखने में भाई टेस्टी लग रही है बिल्कुल। और खा के पता चलेगी। पहले हम निकाल के सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये चाशनी भी अच्छी है। पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। देखते भाई हमारे रिस्पांस हो देखते हैं। थोड़ी देर इसमें रहने दे। हो गए अब तो बहुत देर से हैं। उन्हें तो एक खिला के देखो ना। अभी रुक जाओ क्या कर रहे हो यार? फट जाएंगे वो है? उनमें भर रही है हवा। इसमें ये वाला निकालो, ये वाला एक, ये वाला निकालो एक, इसके से बगल वाला चलो भाई। अब घर वाले को देखते रहिए रिएक्शन। पहले खुद तो टेस्ट करते हैं आप। पहले घर वाले को करेंगे हम लास्ट में। लड्डू गोपाल निकाल दिए लड्डू गोपाल। तो भाई पहले हम मम्मी को टेस्ट कराते हैं कि कैसा लगा। गरम मत दीजिए मम्मी को। ना वो गरम नहीं है। ठंडा
अपने फोन को कौन बंद कर दे? अब बता काली हलवाई कालेजी अभी मैं खाऊंगी इसको। अरे कलेजन कैसे चिपक रहे मेरे? तेरा कलेजा है भी ना खड्डा। अबे थोड़ा सा टिंकी कोट टेस्ट दे दे। रही हूँ झाड़ू और दीदी के आए हैं नाखून करने और इन्होंने रसगुल्ले बनाए। तो किचन की हालत तो मैंने थोड़ी साफ कर दी लेकिन ये इतने सारे बर्तन हो चुके हैं, बर्तन धोने हैं। और लड्डू के पापा इधर सो रहे हैं, रसगुल्ले बनाए थक के सो गए। और इधर करवाए दीदी नाखून अपने। हाँ उसको ऊपर तो ये करवा रहे हैं नाखून अपने दीदी। ये अपने नाखून हर 15 दिन में करवाती रहती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती रहती है दीदी ये हमारी। है मीनाक्षी दीदी कहाँ जाओगे अब आप? तो ये दीदी यहीं जगतपुर की। आप जगतपुर की है ना दीदी? हाँ जी। तो अगर किसी जगतपुर वाले हमारी दीदियों को कोई करवाना हो तो बता देना, मैं इनकी आईडी यहीं नीचे मेंशन कर दूँगी, है ना? तो जब दीदी के नाखून फाइनल हो जाएंगे ना, जब दिखाएंगे और हम आपको कि कैसे लगाते हैं। वैसे काम तो दीदी अच्छा कर रही है क्योंकि सफाई से एकदम अभी साफ करे दीदी के नाखून इन्होंने बिल्कुल। ये सब देखो क्लीन करे एकदम बढ़िया देखो। चलो तो बाल जो दे बोल कुछ बन रहे। कभी तो हम खेलने वाले हैं, पट्टी बांधेंगे, पट्टी बांध के खेलने वाले हैं। मेरा कुछ लग गया, लोहा लग गया, कुछ कुछ भी लग गया तो हम खेलने वाले हैं। तैयार देखते कैसा चैलेंज होता है। मैं पकड़ूंगी इसकी पट्टी, कौन बांधेगा लड्डू? नहीं मैं बांध देती हूँ, तू कैमरा पकड़े रहा। ठीक है पट्टी की तरह पट्टी भी लाई गई पट्टी। अब आप चुन्नी खान पट्टी ले आ जा, चल जा पट्टी ढूंढने के गाइस मेरे बांधने वाले हैं। अब हम इनके बांधेंगे ना, और जब इनको सही सा मजा आएगा तब मजा आएगा हमें। उसे घुमाओगे ना उसको पट पट मारोगे। अबे ये नहीं है बोले तू ब्लॉग बनाएगी पट पट मार। मैं ब्लॉग बनाऊंगी भाई, मैं बनाऊंगी। मैंने गाइस पकड़ रखा कैमरा। देख ही रहे होंगे कि मैं इधर बना रही हूँ खाना और पापा ने खा लिया है और खा रहे हैं लड्डू के पापा। इधर मम्मी इधर खा रहे हैं ये खाना। आप नहीं खाओगे अभी? खाऊंगी अभी, मम्मी थोड़ा रुक कर खाएंगी। तो ये खा रही है और इधर खाना बनाते बनाते व्लॉगिंग करना। और फिर बच्चे इधर खेल रहे हैं ये तीनों। और इधर ये दीदी के नाखून हो गए हो चुके। कैसे लगे कमेंट करके बताइए। कैसे ऐसे दिखाओ ऐसे। और आईडी ले यहां आ जा दबंग पे। अच्छा तो ये लाइटिंग हटा दो ना आप। अच्छा तो ये देखिए दबंग गुजरी के नेल्स अच्छा देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए कैसे भाई नेल्स कैसे मतलब हुए कि मैंने कलर नहीं कराया। मैंने वाइट चल रही है। कहां चल रही है बच्चे इधर नाटक बात। और गाइस मेरा भाई मैं पागल हो जाऊंगी ये रोटी भुग्गी ब्लॉगिंग के चक्कर में, पर बाद में बनाऊंगी। आधी तो बनी गई और शाम की पूजा भी हो चुकी है ये। और क्या हुआ बताइए मैडम जी? मैडम जी हाँ अच्छे लग रहे हैं आपके नेल्स। अब क्या बताना कि अब वाले नेल्स मतलब कैसे लग रहे हैं मेरे मेरे नेल्स अब कैसे लगे? बलिया लग ले बलिया लग ले दिखाइए बलिया। अब के मैंने वाइट कराए वो वाली ये नेल्स ना सब पे चलेंगे इसलिए मैंने कराए। ये वाले नेल्स सब पे चलेंगे वाइट है ना दिखाओ। हमारे तो आटे के हाथ हो रहे हैं।
अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं। अभी और लगेंगे, नग लगेंगे क्या? ये स्टोन तो लगे हुए, सिर्फ एक में स्टोन। और जिससे भी कराने हैं आईडी मेंशन कर देंगे, तो जिसको भी कराने हैं उस आईडी पे मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। आईडी का नाम क्या है ये तो बता दो। ओके चलो तो भाई हम खाना बना ले, मेरी रोटी पक गई, हम जा रहे हैं। गाइस किचन साफ हो चुकी है, सारे बर्तन धो के मैंने लगा दिए हैं, किचन बिल्कुल साफ हो गई। और इसमें हो रहा है थोड़ा सा दूध। और तो चलो गाइस अब मेरा घर का काम सारा निपट चुका है, और इन बच्चों की और मम्मी भी खाना खा के लौट गई, सब ने खाना खा लिया, घर का कार सारा काम हो चुका है। बस एक दीदी ने ना खाया और मैंने ना खाया, क्योंकि दीदी के नाखून लग रहे हैं अभी निमटी ना हुए, और मैं भी थोड़ी देर में खाऊंगी। ये बेड वेड साफ़ कर दो, क्योंकि यहाँ भी हो नाखून का काम, तो वो साफ़ करो थोड़े थोड़े करो। अभी लाई है दूध और ये केले, बच्चों के लिए बनाना है जूस, और मैंने अपने लिए साबुन और ये कोलगेट मंगाई है। तो चलो गाइस हम बच्चों के लिए बना लेते हैं जूस। और दीदी भाग के गई बाहर, गोलगप्पे वाला है तो वहाँ गोलगप्पे खाने गई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बनाएंगे हम बच्चों के लिए जूस। वो देखिए गोलगप्पे वाला घेर रखा है मैंने, उधर बाहर दिखाना है। इधर हम सब खा रहे हैं बर्गर, आज देगी दीदी तो दिन से हमको केला लाई नहीं, तो आज बर्गर खिला देगी। ये बर्गर ये क्या है? खाई ना खाई है हमने तो ना, वो आजकल ट्रेंड चल रहा है। देखा मुंह ही दिखा रहे हैं, हटा दे, देखिए देख लो भैया देख लो। ये दीदी फ्लेवर भी चलो, एक टिक्की ली है, खाली एक ही टिक्की है, और ऊपर बैठे गांधी जी के चार बंदर, आंसू भाई फैलाएंगे, आंसू भाई फैलाएंगे। अब देखियो जहाँ एक ढोकला पे वे कैसे टूट का पड़ा, यहाँ पर देखियो कैसे टूट का पड़ा, मेरे लड़ाई भी कर सके हैं एक टिक्की पर। कहाँ चढ़े बैठे पैर दुखे, इधर 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 नहीं, तू तो भरे पेट पे खा ले, तू तो दोनों ज्यादा कर तो बहन बंदर बैठे टूट के पड़ा, एक ढोकसा पे, एक ढोकसा आयु, हाँ ये ढोकसा, ढोकसा लाइव बोल रही है तू, ये भी फ्री की टिक्की है, ये भी फ्री की टिक्की बची है, इसलिए लाई है 220 रुपए की। हमने खुली खाई खाली खा जाए, खाली जब कर रही है ना, सबसे पहले सबसे पहला हाथ करो लू, ये तो दिखे पे खा दे। तो क्या करो वैसे ही क्या हेलो काले जी ना खाते, काले जी ना, काले जी तो पिंकी चांस का खाएंगे। हाँ काले आया पर जल्दी, काले का कहने मतलब मेरी बहू बच गई, सब खबर नहीं है। देखिए बेड पर उठा कर मैं भगा दी। मैं उठा के भगा दी सब ने, एक दो तीन चार पाँच छह आदमी बैठे हैं, मैं टूट ना जा, मेरा टास नो वाले बाथरूम पकड़ ले, बाल के अंदर ही है को बाथरूम, तो बाहर जाने की जरूरत ही ना, तमाम मच्छर खाएंगे बाहर के बाथरूम ना। हैं अरे ये देखो दीदी है।
ये आप क्यों हंस रहे बताओ मुझे देख कर। बाज की ओ लड्डू देख कितनी जल्दी उठा। अरे लड्डू नहीं बुआ 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 बड़ा पापा वाला धमकाओ जी से धमकाओ। पहले एक नखून टुंटो कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।